दोस्तों, मोबाइल टेक्निकल गुरु में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका मोबाइल फ़ोन चलते चलते अचानक हैंग हो जाए, चलते चलते आपका मोबाइल फ़ोन गर्म होने लगे या आपका मोबाइल फ़ोन का जो स्टोरेज है फुल बताने लगे, जबकि आपका जो फ़ोन स्टोरेज है वो बिल्कुल खाली है, एक भी फोटो नहीं है, फिर भी आपका फ़ोन स्टोरेज फुल बता रहा है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर भी आप क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप मौर्य। अब दोस्तों, जब भी आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करे, गर्म हो या मेमोरी फुल बताए, तो आपको क्या करना है, बैक आना है। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप्ट मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाइएगा सेटिंग में। सेटिंग में जब आएंगे तो आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो इंस्टॉल्ड ऐप्स है उस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको आ जाना है सीधे YouTube में। ठीक है, यहाँ पे ये YouTube है। ठीक है, अब जब YouTube को ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो यूट्यूब का साइज है वो 826 MB है। ठीक है, लेकिन जब आप मोबाइल में पहली बार YouTube डाउनलोड करेंगे तो उसकी साइज़ हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको इसकी साइज़ जब पहली बार अपने मोबाइल फ़ोन में YouTube को अब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 9.4 MB का ये फाइल है। ध्यान से देखिएगा, 9.4 MB का ये जो YouTube फाइल है। लेकिन जब आप YouTube पे कोई भी वीडियो प्ले करेंगे, कोई भी वीडियो डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन में, तो उसकी साइज़ बढ़ती जाती है और आपको दिखाई नहीं देता है और आपका मोबाइल का जो स्टोरेज है वो फुल होने लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोरेज में आने के बाद, ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज में आने के बाद इन सभी फाइल को आपको क्लियर कर देना है। जितनी भी यहाँ पे टेम्प्रोरी फाइल बनी हुई हैं उन सभी को आपको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ओके करेंगे यहाँ पे जो साइज 600 के लपेट में दिखा रहा था, ठीक है, वो 125 MB हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 200+ MB यहाँ पे शो कर रहा था वो 0 MB हो गया। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को भी देख लीजिएगा, यूसी ब्राउज़र को भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूसी ब्राउज़र को ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे यूसी ब्राउज़र जो होता है वो 40 MB या 41 MB का होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 253 MB हो चुका है। यहाँ पे जो कैसे फाइल है वो 15.20 MB हो चुका है। ठीक है, तो इसे भी आपको क्लियर कर देना है, यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है। दोस्तों, इस तरीके से आप जिस एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज करते हैं उसकी जो टेम्पोरेरी फाइल है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। जैसे 40 MB की जो फाइल है यूसी ब्राउज़र, उसे जब यूज करेंगे, एक महीने यूज करने के बाद उसकी साइज़ 1 GB में हो जाता है, 2 GB में हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है और आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करने लगता है, स्लो काम करने लगता है और फ़ोन स्टोरेज फुल बताने लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की हैंगिंग समस्या को ठीक कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो गर्म होने की समस्या उसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है उसे भी आप दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।